नमस्कार साथियों, आज हम बात कर ले भाई यूएई से रिलेटेड, दुबई से रिलेटेड, जी हाँ नागरिकता से रिलेटेड हम बात करेंगे। नागरिकता मतलब समझते हैं परमानेंट रेजिडेंशियल। जी हाँ साथियों, इससे रिलेटेड आपको पता है भाई यूएई सरकार ने 2021 से ये प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है और लगभग 100 से ऊपर लोगों को नागरिकता दे दी गई है कि अलग अलग देशों के लोग हैं। अब नागरिकता यूएई में मिल रही है आप सब लोगों को पता है, लेकिन उनकी कुछ कंडीशन है, उसकी कुछ कंडीशन है जैसे साइंटिस्ट को मिल जाता है या फिर कोई कलाकार वगैरह खेल कूद वाले इस तरह से कुछ डॉक्टर्स वगैरह होते हैं जो यूएई की योगदान उसमें सहयोग दे सके, उन लोगों को नागरिकता मिलती है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि यूएई में नागरिकता के नाम से आपको ध्यान रखना चाहिए कि भाई जैसे जैसे सोशल मीडिया बढ़ता जा रहा है ना, ये क्राइम सब जगह हो रहा है, यूएई में भी ये क्राइम बढ़ गया है। ये एक लेटेस्ट न्यूज निकल के आई है, बता दूं। जी हाँ साथियों, $10,000 में आपको यूएई की नागरिकता मिल जाएगी। SCA कंपनी को दावा करते हुए यूएई सरकार ने उसको गिरफ्तार, मतलब कंपनी को बंद करके उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जी हाँ, पूरा माजरा क्या था डिटेल से बात करेंगे। अगर कोई आपको भी बोलता है कि हम यूएई का आपको नागरिकता दिलवा देते हैं, आपका प्रोसेस करवा देते हैं $10,000, वैसे $10,000 कितना होता है भाई, 7-8 लाख रुपए होते हैं, इतना तो हर कोई दे देता है। तो उसमें हुआ क्या मैं बता दूं, कंपनी ने एक विज्ञापन के द्वारा, एक सिस्टम के द्वारा एक ऑपरेट बात ओपन करी कि भाई यूएई में हम नागरिकता दिलवा देंगे, खर्चा मात्र $10,000 आएगा। जी हाँ, अगर संपत्ति आपके पास 100 मिलियन की हो तो काम बन जाएगा, और वो $10,000 इसीलिए ले रहे होंगे कि हम संपत्ति के डॉक्यूमेंट दिखा देंगे वगैरह वगैरह। आपको पता है चीटिंग करनी होती है तो बंदे किस तरह से कुछ भी कर सकते हैं, और कंपनी को आवेदन भी मिल गया यार, ये देखिए कितनी बड़ी बात है। मतलब लोग तैयार ही बैठे थे, ये लो जी $10,000 हमें, आप यूएई की नागरिकता दिलवा दो, बस इस तरह से लोगों ने अप्लाई भी कर दिया। वहां पे कंपनी को आवेदन मिले, कंपनी ने फॉर्म भरे, उनका पूरा एड्रेस पता, निजी जानकारी, संपत्ति वगैरह, क्या काम करते हैं, प्रोफेशन क्या है, पूरे फॉर्म भरे जा रहे थे। जी हाँ, फॉर्म भी काफी सारे वहां की पुलिस ने, वे की पुलिस ने, मैं बता दूं गिरफ्तारी के समय वो जब्त किए थे। यानी पुलिस ने बताया कि ये पूरा प्रोसेस इनलीगल था, हमने सरकार की तरफ से ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई, सरकार की तरफ से कंपनी को कोई अथोराइज नहीं बनाया गया था, पूरी गलत थी, उसके ऊपर कार्रवाई हमने की गई है। और नागरिकों से भी सरकार ने, पुलिस ने आग्रह किया है कि भाई इस धोखाधड़ी से आपको बचना चाहिए। अगर इस तरह के आपको लालच दिया जाता है या फिर आपको ऑफर दिया जाता है कि हम आपको यूएई की नागरिकता दिला देंगे, $5,000 दे दो, $10,000 दे दो, $20,000 दे दो वगैरह वगैरह, तो ये सब चीजें फेक है। इसी कोई भी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आपको नागरिकता मिल जाएगी, कुछ कंडीशन है 4-5 कैटेगरी की, उसी लोगों को वो नागरिकता मिल पाएगी। जी हाँ, हालांकि सरकार ने एक नंबर भी जारी किया है, एप्पल पे, गूगल पे या फिर कंज्यूमर ऐप भी अपलोड किया है, उस पे एक नंबर भी उन्होंने टोल फ्री नंबर डाला है। अगर आपके साथ में कोई इमिग्रेशन से रिलेटेड, वीजा से रिलेटेड इस तरह की कोई 420 करते हुए आपको कोई बोलता है तो आप उनके ऊपर शिकायत कर सकते हैं। तो मैंने जो हॉटलाइन के जो नंबर दिए मैं बता दूं, 5454555, इस नंबर पे आप किसी भी एजेंट, ऑफिस या फिर जो ऐसी आपको बोलता है कि हम आपको नागरिकता दिला दे, इमिग्रेशन से रिलेटेड, वीजा से रिलेटेड कोई फ्रॉड करता है तो इस नंबर पे पुलिस को आप सूचना दें, ताकि उस फ्रॉड एजेंट को अंदर डाल के उसकी कुटाई की जा सके और लाइफ टाइम के लिए बैन करके उसको जो जहां है वहीं उसके औकात पे बिठाया जा सके। बस ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। इन चीजों का आपके पास भी ऑफर आते हैं तो बचना जरूरी है, और जो नंबर है सरकार की तरफ से 5454555 पे कॉल करके पुलिस को सूचना दें, ताकि और लोगों को फ्रॉड होने से बचाया जा सके। वीडियो अच्छा लगे तो जानकारी शेयर करें लोगों के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।